गुड इवनिंग ऑल माय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर धनंजय सिंह आपके सामने लाया हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी इट इज़ द साइंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर ओनली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी डील्स विद द कॉजिटिव एजेंट्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ मैन, हिज रिएक्शन टू सच इन्फेक्शन। द क्रेडिट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ बैक्टीरिया गोज टू एंटोनी वॉन लीउनहॉक, विच इज़ द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। The earliest discovery of pathogenic role of microorganism probably goes to Augustina Vassi. Second part is the scientific development of microbiology. Scientific development of microbiology was shared by the Louis Pasteur. Perfection on microbiological studies by Robert Koch. The introduction of antiseptic surgery by Lord Lister and the contribution of Paul Urschel in chemotherapy. हम सबसे पहले बात करते हैं लुईस पाश्चर के बारे में। ही स्टेबलाइज दैट फर्मेंटेशन वॉज काज बाई माइक्रोबियल एजेंट। ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ लुईस पाश्चर माइक्रोबायोलॉजी। डेवलपमेंट ऑफ मेथड एंड टेक्निक ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। इंट्रोडक्शन ऑफ स्टरलाइजेशन टेक्निक, स्टडी ऑफ एंथ्रेक्स, चिकन कॉलेरा एंड हाइड्रोफोबिया, लिवर वैक्सीन। ही इंट्रोड्यूस एटेन्यूटेड लाइव वैक्सीन फॉर प्रोफाइलेटिक यूज। अब हम लोग सेकेंड जो है जोसेफ लिस्टर साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे। ही वॉज ए प्रोफेसर ऑफ सर्जरी इन ग्लासगो रॉयल इन्फर्मरी। ही अप्लाइड पॉस्चर वर्क एंड इंट्रोड्यूस एंटीसेप्टिक टेक्निक इन सर्जरी। हिज एंटीसेप्टिक सर्जरी इन्वॉल्व द यूज ऑफ कार्बोलिक एसिड। ही इज द फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। थर्ड हम लोग साइंटिस्ट रॉबर्ट कोच के बारे में बात करेंगे। ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। हिज कंट्रीब्यूशन आर एज फॉलोज। फर्स्ट इज प्रिफर्ड बैक्टीरियोलॉजिकल टेक्निक एंड इंट्रोड्यूस मेथड ऑफ फॉर आइसोलेशन ऑफ प्योर स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। इंट्रोड्यूस मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग बैक्टीरिया इन कल्चर्स यूजिंग सॉलिड मीडिया। तीसरा इंट्रोड्यूस स्टेनिंग टेक्निक, इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया स्टेनिंग टेक्निक का। डिस्कवर्ड द एंथ्रेक्स बैसिलस, ट्यूबरकल बैसिलस एंड द कोलेरा विब्रियोस। इन्होंने तीन बैक्टीरिया का खोज किया, एंथ्रेक्स बैसिलस, ट्यूबरकल बैसिलस एंड द कोलेरा विब्रियोस। फिर आते हैं साइंटिस्ट पॉल अर्चिल। पॉल अर्चिस वॉज ए जर्मन साइंटिस्ट एंड इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ कीमोथेरेपी। हिज कंट्रीब्यूशन आर एज फॉलोज। अप्लाइड स्टेन टू सेल एंड टिश्यू फॉर स्टडी फॉर ऑफ देयर फंक्शन। इन्होंने सेल और टिश्यू को स्टेन करना बताया और उसके फंक्शन कैसे क्या क्या है ये देखते हैं हम लोग। रिपोर्टेड द एसिड फास्ट नेचर ऑफ ट्यूबरकल बैसिलस। प्रपोज साइड चेन थ्योरी ऑफ एंटीबॉडी प्रोडक्शन। इन्होंने थ्योरी दी साइड चेन थ्योरी की, थ्योरी जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन में होता है। ही डिस्कवर्ड न्यू सेलरम एंड दस क्रिएट ए न्यू ब्रांच ऑफ मेडिसिन नोन कीमोथेरेपी। इंट्रोड्यूस मेथड ऑफ स्टैंडर्डाइजिंग टॉक्सिन एंड एंटी टॉक्सिन। इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया टॉक्सिन और एंटी टॉक्सिन के बारे में। इंपॉर्टेंट डिस्कवर बाय द अदर साइंटिस्ट। लेप्रा बेसिलस की खोज हैंसन ने की थी, गोनोकोकस ने नाइजर ने की थी, डिफ्थेरिया बेसिलस ने क्लैप्स और लोलेफर ने की थी, निमोनोकोकस को फ्रैंकल ने खोज की थी, मेनिंजोकोकस को वेल्सम ने की थी, डिफ्थेरिया टॉक्सिन को रॉक्स एंड यर्सिन ने की थी, टिटनस बैसिलस को किटसेटो ने की थी, प्लैग बैसिलस को यर्सिन ने। ये थे कुछ बैक्टीरिया के नाम जिन्होंने कुछ साइंटिस्ट ने खोज किया था। अब हम लोग आते हैं वायरोलॉजी के अंदर। व्हाट इज द वायरोलॉजी। इवानोस्की ने 1892 रिप्रोड्यूस मोज़ेक डिजीज इन टोबैको प्लांट बाय अप्लाइंग द जूस ऑफ डिजीज प्लांट टू द हेल्दी लिप्स। इवानोस्की ने सबसे पहले वायरस का खोज किया था। इन्होंने तंबाकू के प्लांट में मुझे वायरस को एक डिजीज प्लांट से लेके हेल्दी प्लांट में डाला तो उसको भी डिजीज हो गया। द फर्स्ट ह्यूमन डिजीज प्रूव्ड टू बी वायरल ओरिजिन वॉज येल्लो फीवर। सबसे पहले ह्यूमन में डिजीज प्रूव हुए थे येलो फीवर, जो कि एक वायरल इन्फेक्शन था। द पॉसिबिलिटी ऑफ वायरस काजिंग कैंसर वाज फर्स्ट पुट फोर्थ बाय अलमंड एंड बैंग इन
फॉल ल्यूकेमिया, द पॉजिटिव प्रूफ ऑफ वायरल कॉजेशन ऑफ ह्यूमन मेलिगेंसी वॉज स्टेबलाइज वेन द ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस वॉज आइसोलेटेड इन 1980। सबसे पहले ह्यूमन में वायरस का पता चला जब टी सेल ल्यूकेमिया में वायरस टी सेल को प्रभावित कर सबसे करता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में देखे वायरोलॉजी और साइंटिफिक रोल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोलॉजी के बारे में। अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे और एक नया जानकारी देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।